विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में आम इंतखाबात मुनाकिद होंगे। हलके असम्बली ज़हीराबाद में ज़बरदस्त रसाकशी देखी जा रही है। ज़हीराबाद बीआरएस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकबूल कायदीन साबिक सदर नशीन बल्दिया मुरली कृष्णा गौड़, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया, साबिक सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद लुकमान, साबिक नुमाइंदा सरपंच अलीपुर मोहम्मद ज़ुबैर इस्माइल बरकत अली, जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद रफीउद्दीन, मोहम्मद आमिर फहाद, अब्दुल हमीद सैयद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के बाद कांग्रेस पार्टी मजीद मुस्तहकिम हो गई है। ज़हीराबाद असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस पार्टी ज़बरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है। बीआरएस पार्टी मजलिस बीजेपी मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन कसी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, जिसके बाद ज़हीराबाद में सियासी माहौल मौजूए बहस बन चुका है। गुज़िश्ता 2018 के असम्बली इंतखाबात से ज़्यादा इस मरतबा असम्बली व पार्लिमानी नशिस्त पर मुसलमानों को बादशाही मौकूफ़ हासिल है। बग़ैर मुस्लिम तायद के कोई भी उम्मीदवार की कामयाबी मुमकिन नहीं है। आइए देखते हैं, ज़हीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ఒప్పుకోరట సార్, 14వ సారి మాత్రమే ఒప్పుకోరట సార్. 14 సార్లు వెళ్ళడానికి మనం సిద్ధంగా ఉంటే इनको उनके जो है ना कितना बड़ा दिल है वो देख के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। अब रामन आए, जुबेर भाई आए और लोग भी आने की उम्मीद है। पार्टी जो है ना बहुत ताकतवर हो रही है। ताकतवर होने से जो है ना कैंडिडेट जीता, तो आपको हर एक आदमी मेहनत करके जिताने का अदम दिल में खराब कर लीजिए। बल्कि आप लोग सबसे गुजारिश है, टाइम।